I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिडनी की ब्लू माउंटेंस की, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। और आज मॉर्निंग में मैंने यहाँ विज़िट किया अपने फ्रेंड के साथ, और मैं यहाँ पे बहुत से अच्छे व्यूज़ देख रहा हूँ, और मैं आपको आज वो सब अच्छे व्यूज़ दिखाने वाला हूँ। सो गाइज, एक्चुअली हमने आज सुबह ही डिसाइड किया कि आज हम घूमने जाएंगे और कहीं अच्छी प्लेस में, लाइक हिल स्टेशन में जाएंगे, बिकॉज बहुत दिनों से मैं कुछ हिल स्टेशन पे नहीं गया था, तो दैट्स व्हाई मैंने डिसाइड किया और मैं इस प्लेस पे आया। और गाइज, प्लेस बहुत ही ऑसम है। आई स्वेयर कि अगर आप सिडनी में रहते हैं, आपको यहाँ आना चाहिए और देखना चाहिए। व्यूज़ बहुत मस्त हैं, लाइक जो एरिया है वो बहुत अच्छा है और इजीली पार्किंग अवेलेबल है। मेक श्योर कि आप यहाँ सुबह सुबह आएँ, तभी आप अच्छे व्यूज़ देख पाएंगे। क्लियर वेदर और जो क्लाउड्स हैं वो प्रॉपरली दिखते हैं, और जो सन रेज़ हैं वो बहुत सुंदर दिखती हैं जब वो लाइक क्लाउड्स के बीच से जाती हैं। तो आई स्वेयर कि आपको यहाँ आना चाहिए और आपको ये सब देखना चाहिए। सो बेसिकली गाइज, यहाँ पर हम सुबह सुबह आए हैं और हल्की सी सनलाइट है, साथ में क्लाउड्स हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे बहुत ही अच्छा व्यू है, सीनिक व्यू है। मतलब आप काफ़ी अच्छा फील करेंगे यहाँ पर आके। और मेक श्योर कि आप अपना टाइम निकाल के आएँ और सुबह सुबह आएँ, बिकॉज सुबह के जो व्यूज़ हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं। सो दैट्स वाई हम सुबह यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे ना ही ज़्यादा लोग भी ज़्यादा नहीं हैं, तो इट्स इजी। यहाँ से कुछ ही दूर कटुम्बा वाटरफॉल है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये प्लेस सिडनी से ज़्यादा दूर भी नहीं है और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। आप यहाँ ट्रेन से भी आ सकते हैं, लाइक सिडनी टू कटुम्बा की ट्रेन रहती है। तो गाइज, ओवरऑल अगर आप देखें तो ये बहुत ही परफेक्ट प्लेस है फॉर अ डे ट्रिप इफ़ यू आर लिविंग इन सिडनी। सो गाइज, जितने भी लोग, जितने भी फ्रेंड्स अपने जो भी सिडनी में रहते हैं और घूमने का प्लान कर रहे हैं वीकेंड्स पे, यहाँ जिनके पास भी एक डे स्पेयर है, तो प्लीज़ आप यहाँ पे विज़िट करें, बिकॉज द प्लेस इज़ क्वाइट ऑसम और बहुत ही अच्छी जगह है। आपको यहाँ आना चाहिए और आके देखना चाहिए, बिकॉज इफ़ यू आर लिविंग इन सिडनी और आप यहाँ पे अभी तक नहीं आए हैं, तो प्लीज़ आप यहाँ पर आए। दिस होल प्लेस इज़ सो ब्यूटीफुल, और आज की डे ट्रिप पे मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, बिकॉज मैं अपने फ्रेंड के साथ यहाँ आया था। ट्रिप पे हमें बहुत मज़ा आया, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी ट्रिप में बहुत, मैंने एक रेनबो की वीडियो भी डाली थी जो कि बहुत ब्यूटीफुल था, और वो इसलिए बना था बिकॉज जो सनलाइट थी वो डायरेक्ट क्लाउड्स पे पड़ रही थी और बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा था। सो गाइज, फाइनली वी आर बैक होम, और हम घर वापस आ गए थे और रास्ते में हमने बहुत सा इन्जॉय किया। कटुम्बा वाटरफॉल नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ का जो रास्ता था वो बंद किया हुआ था। आई डोंट नो क्यों बंद किया था, मे बी हम वहाँ पे जल्दी गए थे इसीलिए बंद था, सुबह सुबह थी और रास्ता बंद था।
तो इसीलिए हम वाटरफॉल के पास वाटरफॉल का व्यू देखने नहीं जा पाए और वो मैं वीडियो में कवर नहीं कर पाया, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं जब भी विजिट करूँगा तो वाटरफॉल का जो व्यू है वो डेफिनेटली वीडियो में कवर करूँगा। जो वेदर था वो बहुत ही ब्यूटीफुल था और अभी अप्रैल है और सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड थी, चिली विंड्स जो थी वो बहुत ज़्यादा ठंडी थी, तो हमने जैकेट्स वगैरह रखी थी और हमारी काफ़ी हेल्प हो गई। तो मेक श्योर अगर आप अर्ली मॉर्निंग में जाएंगे तो जैकेट्स वगैरह अपने साथ रखें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और आप सही से अपना जो एंजॉय कर सकें। सो गाइस, मुझे तो ये प्लेस जो थी ये बहुत अच्छी लगी, ये थ्री सिस्टर्स थी। तो गाइस जब हम वहाँ पहुँचे थे तब तो वेदर क्लियर था और सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा था, लेकिन धीरे धीरे जो थे विंड्स के साथ क्लाउड्स आना शुरू हुए और जो वेदर चेंज होना शुरू हुआ और सनलाइट के साथ सब कुछ, मतलब कभी थ्री सिस्टर्स के आगे जो है क्लाउड्स आ रहे थे और मैं प्रॉपरली वीडियो में दिखा नहीं पाया, बट बहुत अच्छा व्यू था। आई होप कि जब आप जाएं तब वेदर ऐसा हो और आप भी मेरे जैसे सेम एंजॉय कर पाएं। सो गाइज वन लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, तो गाइज जब भी आप सिडनी से जा रहे हैं, जैसे कि हम सिडनी से गए थे तो हमने गूगल मैप्स पे जो लोकेशन थी वो ब्लू माउंटेन्स की लगाई थी, लेकिन गाइज एग्जैक्टली हम वहाँ थ्री सिस्टर्स नहीं पहुँच पाए, बट हम ब्लू माउंटेन्स का जो कंट्री साइड नेशनल पार्क है वहाँ हम पहुँच गए, बट हमें थ्री सिस्टर्स और ब्लू माउंटेन कुछ जैसा वहाँ नहीं दिखा। तो मेक श्योर कि जब भी आप जाएं अपने गूगल मैप्स पे जो लोकेशन है वो कटुम्बा थ्री सिस्टर्स की लगाएं, तभी आप एक प्रॉपर डेस्टिनेशन पे पहुँच पाएंगे और एंजॉय कर पाएंगे। तो गाइज वन मोर थिंग, कटुम्बा इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, अगर आप वहाँ जाते हैं तो मेक श्योर कि आप कटुम्बा को भी थोड़ा एक्सप्लोर करें। वहाँ पे भी तीन चार डेस्टिनेशंस ऐसी हैं जो कि बहुत अच्छी हैं और आपको वहाँ जाना चाहिए, आपको वहाँ जाके अच्छा लगेगा। तो गाइज मैं वीडियो में नहीं कवर कर पाया बिकॉज ऑफ सम रीजंस, सो नेक्स्ट टाइम मैं जब भी जाऊँगा वो सब चीज़ें कवर करूँगा। सो गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे फिट स्टे पॉजिटिव।